हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भूपेंद्र पटेल है और जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है साइबर सिक्योरिटी, जो GTU में जो आता है उसका सिर्फ एक्सटर्नल वाइवा होता है, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे दिया था कमेंट में कि सर इसकी बुक नहीं है तो कुछ उसका सॉल्यूशन निकाल के दो। तो मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है जो आप वाइवा के अगले दिन भी रिफ़र कर सकते हैं, और जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो बेसिकली पूछते हैं जो एक्सटर्नल, उसको मैंने सॉर्ट आउट करके यहाँ पे वीडियो सीरीज़ बनाई है यूनिट वाइज। तो ये जो पूरी सीरीज़ है पार्ट 1 से पार्ट 5 तक, आप स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बेसिक क्वेश्चन है जो आपको एक्सटर्नल पूछते हैं तो वो उसमें से आपको बेनिफिट होगा कि आप उसका आंसर कैसे दें। तो मैंने यहाँ पे क्या है कुछ एग्जांपल लेके भी आपको समझाया है कि सपोज़ कोई एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि चलो इसका एग्जांपल कैसे क्या है और ये कैसे काम करता है, तो उसको भी उस दौरान आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने कुछ एग्जांपल भी लिए हैं यहाँ पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 2। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है आप एक बार देखें तो आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा क्योंकि उनको भी बेनिफिट हो, क्योंकि ज़्यादातर ये जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर ओरिएंटेड है, लेकिन कई कॉलेजों में क्या है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और दूसरी अलग अलग ब्रांच में भी देते हैं, तो उस उन लोगों को पता नहीं चलता कि ये एक्जैक्टली है क्या। तो आप उनको एक बार शेयर कर दीजिएगा तो वो भी लोग भी क्या करें कि उसको एक बार रिवाइज कर ले और उसको थोड़ा भी आइडिया आ जाए कि ये क्वेश्चन कहता क्या है और उसका आंसर क्या है। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2 सेशन जो है साइबर सिक्योरिटी के। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फायरवॉल। तो एक बार सुनिए, आपको यहाँ पे है दिया गया हुआ है दो टर्म्स है, फायर एज वेल एज वॉल, राइट। जो फायर से आपको वॉल बचाती है, तो उसी तरह से क्या है ये नाम दिया गया हुआ है फायरवॉल कंप्यूटर बेस्ड में। तो ये कैसे काम करता है, बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं, हार्डवेयर बेस्ड एज वेल एज सॉफ्टवेयर बेस्ड। हार्डवेयर बेस्ड जो फायरवॉल होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी में यूज होते हैं और जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो वेब बेस्ड यूज करती है। तो फायरवॉल करता क्या है एक्चुअली, तो फायरवॉल इज प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू आवर नेटवर्क फ्रॉम अनऑथोराइज पर्सन और अटैकर। मींस जो आपको एक दीवार बना के देता है ये जो फायरवॉल है, जो आपके नेटवर्क है, मींस सपोज आप कॉलेज में पढ़ रहे हो उस कॉलेज का नेटवर्क है और बाहर से कोई हैकर है या कोई अनऑथोराइज पर्सन कोई इंटरनेट के थ्रू आपके कॉलेज के नेटवर्क के अंदर से जो भी डेटा चुरा ना ले, इसीलिए यूज होता है फायरवॉल। और ये फायरवॉल क्या होता है कि आपको वहां पे ऑप्शन देता है कि आपको किसको अलाउ करना है और किसको अलाउ नहीं करना है, तो उसीलिए यूज होता है फायरवॉल, राइट। आप आई होप कि आपको पता चल गया हो कि फायरवॉल है जो आपको एक दीवार बना के देता है आपके नेटवर्क के और आपकी जो आपका नेटवर्क के बाहर जो इंटरनेट है पब्लिक नेटवर्क है जो बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं उस बीच उन दोनों के बीच में एक दीवार बना के देता है कि आपका जो नेटवर्क है उसमें कोई हार्मफुल ना हो या कोई डैमेज ना कर दे बाहर से कोई हैकर या कोई अटैकर, राइट। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज पैकेट फिल्टर्स। तो पैकेट फिल्टर कैसे करोगे आप, तो मैं आपको बता दूं कि सपोज कोई कॉलेज है कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे क्या होता है कि बहुत सारी वेबसाइट रिस्ट्रिक्ट होती है, तो रिस्ट्रिक्ट कौन करता है, तो फायरवॉल करता है। तो वहां पे क्या होता है कि पैकेट फिल्टरिंग करते हैं कि सपोज आप सपोज लिख रहे हो यहाँ पे कि एक्स वाई जेड, राइट। तो एक्स वाई जेड नाम का कोई भी पैकेट आएगा तो वो क्या करेगा, मैं फायरवॉल में वहां पे लिख देता हूँ कि एक्स वाई जेड जो भी पैकेट आता है उसको आगे पास नहीं करना है। मीन्स सपोज के बाहर आप अंदर से कॉलेज में से सर्च कर रहे हो एक्स वाई जेड, तो वो क्या करेगा फायरवॉल जाने देगा बाहर पहले तो, लेकिन जब भी वापस आएगा तो वो चेक करेगा इसकी पॉलिसी में जो फायरवॉल हो उसकी ये टेक्निक है पैकेट फिल्टरिंग की। तो आप वहां से वेबसाइट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि क्योंकि बहुत सारी कॉलेज में ऐसी होती है कि सपोज पॉन साइट है ऐसी कोई फ्रॉड साइट होती है तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो बेस्ड ऑन फायरवॉल जो ये पैकेट फिल्टर है वो फायरवॉल की एक टेक्निक है कि जो भी मॉनिटर करता है आउटगोइंग पैकेट और इनकमिंग पैकेट को कि आप क्या पैकेट भेज रहे हो और वो पैकेट क्या आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप पैकेट फिल्टर कर सकते हो वहां पे। नेक्स्ट है हमारा कि हाउ अ फायरवॉल प्रोटेक्ट अ नेटवर्क। तो जो मैंने बोला था पहले कि मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं आपको कि सपोज ये आपका कॉलेज नेटवर्क है, राइट, पूरा ये आपका कॉलेज नेटवर्क है और ये जो आउटसाइडर नेटवर्क मीन्स आप जो यूज कर रहे हैं जो भी पब्लिक यूज कर रही है वो नेटवर्क है। अगर ये जो बनाया हमारा पूरा वो है फायरवॉल,
राइट तो ये फायरवॉल क्या करेगा कि सपोज यहाँ से आप कुछ भी रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ये तीनों पीसी रिक्वेस्ट भेज रही है, तो यहाँ से बाहर तो जाएगा, लेकिन जब भी आएगा अंदर तो वेरीफाई करेगा इसकी बेस्ड ऑन पॉलिसी, जो फायरवॉल में आपने पॉलिसी लगाई होगी उसके बेस पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो मीन्स यहाँ पे सपोज कि आप एक्स वाई जेड यहाँ से सेंड करते हो आपके कॉलेज के नेटवर्क से, यहाँ से राउटर के होके बाहर निकलता है और जो गूगल पे सर्च करता है, तो गूगल यहाँ पे कहीं पे भी उसका सर्वर होगा, तो वहाँ से एक्स वाई जेड नाम का पैकेट वापस आएगा, तब ये फायरवॉल चेक करेगा वहाँ पे कि एक्स वाई जेड पैकेट तो मैंने अलाउ किया ही नहीं, तो वो क्या करेगा यहाँ पे रिक्वेस्ट पे स्टॉप कर देगा, और यहाँ पे क्या है डेटा नॉट फाउंड ऐसा आ जाएगा, और कुछ रिस्ट्रिक्टेड ऐसा मैसेज जो भी फायरवॉल के हिसाब से जो भी लिखा होगा वहाँ पे, तो वो मैसेज शो कर देगा। तो फायरवॉल का वही काम है कि जो आउटर साइड नेटवर्क है और आपका कॉलेज का नेटवर्क या कोई प्राइवेट नेटवर्क है, उन बिटवीन आपको दीवार खड़ी करके दे देगा कि जो अनऑथोराइज पर्सन है वो आपका जो नेटवर्क है उसको डैमेज या कोई दूसरी तरह से इग्नोर मीन्स उसको डैमेज ना करें। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, राइट। तो उसमें क्या है कि देखिए ये एक नेटवर्क है हमारा और ये जो सर्वर है, इन बिटवीन क्या लगा हुआ है, यहाँ पे राउटर लगा हुआ है। एक मिनट में ये इसको इरेज कर देता हूँ पहले। चलो ये इरेज हो गया। तो यहाँ पे बताता हूँ कि आपके ये दो लोग कॉलेज में बैठे हैं, कंप्यूटर वन कंप्यूटर टू, राइट। और उनको सिर्फ यहाँ से ये गूगल का एड्रेस है, मान लो ये जो पूरा इंटरनेट है हमारा, तो उसमें से ये गूगल सर्वर, अभी सपोज ये सेंड करेगा कोई रिक्वेस्ट गूगल की कि सपोज वेब पेज में लिखता है www.google.com, राइट। तो वो क्या करेगा कि जब भी सर्च कर यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा www.google.com, तो यहाँ पे आएगा कि ये जो उसका नेटवर्क है वो क्या नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क है। एक मिनट जो मैं बता देता हूँ आपको, ये नेटवर्क है आपका प्राइवेट नेटवर्क है और ये पब्लिक नेटवर्क है। अगर आपका जो भी नेटवर्क का आईपी एड्रेस होगा वो यहाँ से बाहर जाएगा तो उसको पता नहीं होगा, क्योंकि ये जो आउटर साइड नेटवर्क है वो पब्लिक है, तो यहाँ पे कौन से आईपी एड्रेस लगेंगे, सिर्फ पब्लिक, और इस साइड है वो क्या होगा, सिर्फ प्राइवेट एड्रेस होंगे। जो यहाँ पे आपको पता हो तो कंप्यूटर के बच्चों को इजीली पता हो जाएगा वहाँ पे कि 192 सीरीज है तो वो पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस है, और ये जो 137 वाला है वो, ये जो 1.3023 और ये जो 137 वाले जो भी एड्रेस है वो सारे पब्लिक एड्रेस है। तो ये क्या करेगा, जो भी स्टोर होगा वो जो भी सर्वर पे, वो डेटा पब्लिक सर्वर पे ही स्टोर होगा, क्योंकि जब भी कोई भी प्राइवेट नेटवर्क से एक्सेस करेगा तो पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क से प्राइवेट नेटवर्क दूसरा एक्सेस नहीं होगा, उसी लिए यहाँ पे जो भी सर्वर बनाते हैं उसको आईपी एड्रेस दिया जाता है पब्लिक एड्रेस, तो इजीली वो आपको डेटा मिल सके। लेकिन कैसे मिलेगा, तो ये जो पब्लिक एड्रेस आपको कन्वर्ट करना है कहाँ से, यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रांसलेट द प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी एड्रेस, मीन्स ये जो एड्रेस है 192.168.01 उसको क्या करेगा 137 या कोई भी एक पब्लिक आईपी एड्रेस जो यहाँ पे राउटर पे दिया गया होगा उसमें कन्वर्ट कर देगा, वो फिर यहाँ से डेटा आइडेंटिफाई करेगा इस एड्रेस पे, तब ये एड्रेस नहीं यूज़ करेगा, ये एड्रेस यूज़ करेगा। तो यहाँ से ये इस एड्रेस पे से रिक्वेस्ट जाएगी गूगल, तो यहाँ से पेज लेके वापस आएगा, फिर क्या करेगा उसको पब्लिक एड्रेस में से प्राइवेट एड्रेस पे रिक्वेस्ट कर देगा, मीन्स इस एड्रेस पे, फिर यहाँ से चेक करेगा कि कंप्यूटर वन ने रिक्वेस्ट की थी या कंप्यूटर टू ने की थी, तो वहाँ से जिसने भी रिक्वेस्ट की होगी उसको वहाँ पे वेब पेज ओपन हो जाएगा। मीन्स इसका कंसेप्ट वेरी सिंपल है, जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है, मीन्स नेटवर्क एड्रेस जो प्राइवेट होता है उसको पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। और आगे है एक, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मीन्स सपोज मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे रोड है, मीन्स सपोज के चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, लाइव एग्जाम्पल अहमदाबाद है, उसमें एक जो रोड बना था, एक इन और अप एंड डाउन का दो रोड होता है, उन उस दोनों के बीच में एक BRTS का रूट निकाला, मीन्स
पर्टिकुलर फॉर दी BARTS, उसमें BARTS चल सकती है या एम्बुलेंस चल सकती है, राइट। तो वही है कि सपोज ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर है, ये सारे कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और उनको डेटा भी सेंड कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि जो बैंडविथ होगी डेटा ट्रांसफर रेट वो लो हो जाएगा। उसके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो भी पाथ होंगे डेटा ट्रांसफर करने के उसमें से एक अलग पाथ बना देगा कि सपोज ये जो सर्वर है राउटर, इन दोनों ने अलग पाथ बना दिया कि हमें यही पाथ पर डेटा ट्रांसफर करेंगे, मीन्स उसको एक वर्चुअल टनल बना देते हैं कि उसमें से ही निकलेगा डेटा, जो भी बाकी के जो रास्ते होंगे उसको अवॉइड करेंगे। मीन्स उसी लिए बोलते हैं कि जो भी पाथ है मल्टीपल उसमें से अपना खुद एक पाथ बनाता है, प्राइवेट पाथ, ओन पाथ और वर्चुअल पाथ, तो उसे बोलते हैं हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इस वीडियो में आपने बहुत सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले जो मेरे वीडियो आ रहा है वो आप भी देखेगा, एक बार ज़रूर देखेगा स्टार्ट से एंड तक, तो आपको थोड़ा भी बहुत समझ आ जाए तो आप उसमें एग्ज़ाम में बहुत बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर सब्जेक्ट, और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो